हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों और फिर से एक नया ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। और आज हम आप लोगों को थोड़ा सा अमेजिंग या थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाने वाला है दोस्तों। और सुबह सुबह उठ के हम अभी पूरा कपड़ा धोएंगे, सूझ रहा था, कपड़ा धो के पूरा सुखाएंगे और उसके बाद आगे का नज़ारा क्या हो सकता है आप लोग वीडियो में बने रहेगा और एंड तक जरूर देखेगा दोस्तों, तब ना पता चलेगा वीडियो को कैसा बना है। तो दोस्तों देर ना करते हुए, ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए दोस्तों, आगे का नज़ारा आप लोगों के लिए जारी रहेगा। तो चलिए दोस्तों आगे का नज़ारा देखते हैं क्या दिखाई देता है। कपड़ा निकाल के रखा है यहाँ में, बच्चे की कपड़ा है, रात में पूरा सूसू कर लिया ना, इसीलिए उस कपड़ा को भी धुना है और मार्केट भी जाना होगा शायद मुझे। और आजकल क्या हो गया, क्या मज़ा आ गया, ऊपर वाला ने भी इतना बारिश दे रहे, इतना खुशी दे रहे, मतलब पूरा गर्म दिन आने वाला है ना, इसलिए शायद पूरा पहले बारिश देगा उसका पत गर्मी का इनवाइट कर देगा शायद हम लोगों के लिए, सभी लोगों का, आप लोग के लिए भी ऊपर वाला ने। तो दोस्तों आज संडे है, गिरजा भी जाना है मुझे और सुबह सुबह उठ के इसीलिए हम कपड़ा धोएंगे और बारिश आ रहा है, तो इसीलिए दोस्तों मेरा फूल जितना घर में लगा है ना, फूल ब्यूटीफुल फूल ही होता है, फिर भी ब्यूटीफुल। तो दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाएंगे, ये देखो मेरा प्यारा सा छोटा सा गार्डन में दोस्तों, बिल्कुल ऊपर में बनाया है हम। और इसी तरह देखो इसको रिपेयरिंग करना पड़ेगा, बहुत दिन से नहीं रिपेयरिंग किया है दोस्तों, और इसको रिपेयरिंग भी करना पड़ेगा। और क्या बताओ आप लोगों को, बहुत दिन हो गया, मतलब एक साल हो चुका है इस फ्लावर्स को रखने का जगह। तो दोस्तों इसको भी बनाना पड़ेगा, अभी जल्दी से हम धो लेते हैं कपड़े और कपड़ा वगैरह। और दोस्तों मैन साहब ने शायद खाना रेडी करेगा, खाना खा के अभी ब्रेकफास्ट करके हम जाएंगे दोस्तों, क्या बोलता है, चर्च में पहले, उसका बाद कहाँ में जाना है वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। वो दोस्तों मुझे तो रोज़ ऐसा ही दोस्तों काम में जाना पड़ता है और आप लोगों को भी वीडियो देना पड़ता है दोस्तों, इसीलिए कभी कभी मैंने वीडियो नहीं बना पा रहा दोस्तों। तो कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो डालने के लिए रोज़, और मुझे दो फैमिली को देखना है, मतलब दो फैमिली कैसा हो गया, तो हम अपना फैमिली मतलब पर्सनल फैमिली और आप लोगों को, आप लोग भी मेरा फैमिली है ना, इसलिए आप लोग को भी कुछ ना कुछ देना चाहिए ना, इसीलिए मतलब कंटेंट देना चाहिए इसलिए दोस्तों। और बारिश भी आएगा शायद आज मेरा ख्याल से, और वेदर का इंफॉर्मेशन मिल रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं दोस्तों आज तो बारिश हो सकता है। तो दोस्तों जितना हो सके मेरे तरफ से आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाना। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा और हम कपड़ा धोएंगे। तो दोस्तों फाइनली कपड़ा धो के ख़त्म कर चुका है, और दोस्तों जब भी कपड़ा धो के ख़त्म कर दिया तो बारिश भी आने के लिए स्टार्ट हो गया दोस्तों। अभी इसको कहाँ पर सुखाएंगे दोस्तों, और इसको सुखाने के लिए एक तरीका है, घर में फैन है तो फैन का नीचे में सुखा देंगे दोस्तों, कोई बात नहीं। और बारिश भी देना चाहिए, इतना दिन से नहीं दे रहा था, और एक तरफ से सोचेंगे तो धूप देना भी ज़रूरी है और बारिश देना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों जो कुछ भी हो दोस्तों, तो हम इसको कपड़ा को घर का अंदर में ही सुखा देंगे, और इस तरह बारिश आएगा तो बाहर में सुखाएंगे तो कब सूखेगा, इसीलिए दोस्तों वीडियो में भी बना रहेगा और हम इसको जल्दी से सुखा लेते हैं दोस्तों, और फिर आगे का नज़ारा देखेंगे। और दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए, मतलब दूसरा गांव में आज चर्च होने वाला है, मतलब ऐसा प्रोग्राम रखा गया है, मतलब आज साल का हर साल में एक बार जरूर मनाया जाता है। वो दोस्तों हमने आया है गांव से, बिल्कुल रास्ता मालूम नहीं था दोस्तों, बिल्कुल मालूम नहीं था, तो दोस्त लोग के साथ आया दोस्तों, और आके अभी यहाँ पहुँच गया और बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। हम थोड़ा सा लेट हो गए तो कोई बात नहीं, और मिलते हैं आगे का नज़ारा दिखाने के लिए, मैं कोशिश करूँगा।
और दोस्तों फाइनली हम लोग प्रोसेसिंग जाने के लिए, मतलब साल में एक बार ये पर्व को मनाया जाता है, मतलब इस प्रोग्राम को मनाया जाता है। कुछ सिंपल तरीके से आप लोग को समझाऊँ तो जीसस जब मरने से पहले मतलब जेरूसलम जाने के लिए मतलब क्या बोलेगा गधा डोंकी में उठ के गया था, तो उसी टाइम में सभी लोग रास्ते में मतलब जो भी चीज़ मतलब ऐसा जो भी पत्ते मिलता था वो पूरा उसको रास्ते में लगा के उसको उसका ऊपर में जिसने गया था जेरूसलम। तो दोस्तों अभी हम लोग भी उसी नियम को फॉलो करने वाले हैं, तो अभी स्टार्ट करने वाला है, तो आप लोगों को भी आगे का नज़ारा जरूर दिखाएंगे दोस्तों। और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा, और हम भी ले चुका है और सभी लोग लिया है दोस्तों, तो सभी लोग अभी प्रोसेसिंग जाने के लिए तैयार हैं, तो आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। और दोस्तों स्टार्ट कर चुका है अभी आने के लिए, बिल्कुल हम आगे में हैं क्योंकि आप लोगों को दिखाने के लिए दोस्तों, और अभी बिल्कुल स्टार्ट कर चुका है। स्टार्ट हो चुका है दोस्तों और आप लोगों को जो दिखाएंगे। तो फाइनली सभी लोग होसाना होसाना गा के मतलब कुछ गाना गा रहे दोस्तों, और होसाना होसाना सभी लोग बोल रहे हैं क्योंकि होसाना बोलने से मतलब क्या समझाऊँ आप लोगों को, समझ गए होंगे। तो दोस्तों इस गाना को कुछ पवित्र माना जाता है, इसीलिए होसाना होसाना बोल रहे हैं दोस्तों। और सभी लोग आगे जा चुके हैं, हम पीछे में हैं और पीछे पीछे हम जाएंगे, और हो सके तो हम आगे भी जाएंगे आप लोगों को दिखाने के लिए। और दोस्तों ज्यादा दूर प्रोसेसिंग नहीं गया क्योंकि गांव का पूरा एरिया में पूरा हिंदू लोग है और क्रिश्चियन लोग बहुत ही कम है, इसीलिए दोस्तों प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए ज़्यादा दूर तक प्रोसेसिंग नहीं गया। तो जो थोड़ा सा दूर है मतलब दूसरा घर से यहाँ तक चर्च तक आ गई दोस्तों, और चर्च में अभी उस प्रोग्राम का मेन जो पार्ट होगा वो दोस्तों किया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा और आप लोगों को जरूर दिखाएंगे दोस्तों। और सभी लोग अंदर जा चुका है, हम भी जाने वाले हैं अभी। और दोस्तों हम इसको हम बनाएंगे कुछ और आप लोगों को भी जरूर दिखाएंगे दोस्तों, और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा, हम आप लोगों को दिखाते जाएंगे। दोस्तों फाइनली चर्च को चर्च भी ख़त्म हो गया, अभी जो भी बनाया है मतलब चाय पी के जाओ बोल रहे हैं गांव का जितना आदमी था सभी लोग बोल रहे हैं, तो अभी चाय पीने के लिए तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल
रेडी हो रहे, शायद हम भी पियेंगे दोस्तों जो भी बनाया है। सभी लोग मिल बांट के खाएंगे और उसका बाद घर के तरफ जाएंगे दोस्तों। तो चाय पीते हैं, उसका बाद हम आप लोगों को आगे का नज़ारा दिखाएंगे। और फाइनली चना बनाया गया होगा शायद, तो चना के साथ चाय पियेंगे दोस्तों। और सभी लोग लेने के लिए तैयारी हो रहे हैं दोस्तों, हम भी लेंगे थोड़ा ही देर में। तो सभी लोग खा रहे हैं। दोस्तों फाइनली हम मार्केट की तरफ आया, क्योंकि थोड़ा सा पैसा मिलने वाला था इसीलिए हम मार्केट आया दोस्तों। और मार्केट का नज़ारा आज कुछ शानदार नज़ारा आ रहा है, और कुछ कपड़ा का दुकान वगैरह ये है। इतना खास मार्केट नहीं चल रहा है दोस्तों, वो क्या है आपको। और हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, पैसा मिलने वाला है ना इसीलिए। दोस्तों फाइनली हमने घर पहुंच गए दोस्तों, घर पहुंच के थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं दोस्तों। और रेस्ट कर चुका है हम, और रेस्ट करके थोड़ा सा खाना खाया। खाना खाने के बाद दोस्तों अभी और कुछ करेंगे सोच रहा था दोस्तों। और थोड़ा सा हम बच्चा को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा अभी रो रहा है होगा शायद, तो उसको भी पकड़ना पड़ेगा। और दोस्तों हम जल्दी ही वहाँ से आ गए, क्योंकि घर में भी बच्चा है ना इसीलिए। तो दोस्तों आगे का नज़ारा और मज़े होने वाला है शायद, मैं बता नहीं सकता। आगे का नज़ारा काफ़ी शानदार होने वाला है, तो इन तक बने रहेगा। तो दोस्तों बिल्कुल रात हो चुका है और हम अभी घर में हैं दोस्तों, और कहीं भी नहीं गया दोस्तों, क्योंकि घर में क्या बोलता है रहना है, इसीलिए हम कहीं भी नहीं गए दोस्तों शाम का टाइम में। और बिल्कुल घर में है दोस्तों, और अभी बिल्कुल रात हो चुका है, और रात का डिनर अभी तैयार हो रहा है दोस्तों। अभी क्या बना रहे मालूम नहीं मैम साहब, और कुछ बॉयल हो रहा है ये देखो। और यहाँ पे चटनी बनाया जा रहा है, क्या ग्रीन ग्रीन डाल के रखा है। और खाना बिल्कुल तैयार होकर रेडी हो गया, और दोस्तों अभी खाने के लिए वेट करेंगे। तो दोस्तों फाइनली आज का रेसिपी ये है, लंबा लंबा क्या बोलता है इसको, सोचना ना क्या बोलता है। और इसके साथ हम आज का डिनर करने वाला है दोस्तों, और काफ़ी टेस्टदार होगा शायद, बनाया गया है मैम साहब ने बनाया है कि सब ने मालूम नहीं है, तो हमने ट्राई करने वाला है। ये देखो काफ़ी टेस्टीदार है, और खाने में इतना मज़ा है दोस्तों। तो दोस्तों खाना पीना बिल्कुल, रात का डिनर कंप्लीट हो गया। अभी दोस्तों हम बहुत रात हो चुका है, और हम सोने के लिए कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो सोने से पहले आप लोग से यही पूछना था दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को इस वीडियो को बहुत ही पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक जरूर कर देना, और कमेंट्स करके बताने के लिए मत भूलिएगा। और दोस्तों चैनल बनाया हो तो सब्सक्राइब करने के लिए भी बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल में प्रेस कर दो, जब मेरा वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपको मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ कल सुबह। तो सभी लोग को गुड नाइट और बाय बाय के साथ दोस्तों।